वालेकुम, मेरा नाम सना बेगम है। आज हम बनाएंगे तलाओ। तला हुआ चिकन। तो हमें तला हुआ चिकन में सामग्री ये चाहिए, नमक चाहिए, कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन पीसे हुआ, मिर्च 1 चम्मच, नींबू निचोड़ा नींबू हुआ, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, दही, मेथी और एक ज़रूरी चीज़ टाटा संपन्न गरम मसाला। ये चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो हम शुरू करते हैं। इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। दही के बाद हम इसमें धनिया धनिया पाउडर के बाद हम इसमें गरम मसाला और हल्दी डाल देंगे। अदरक लहसुन पीसे हुआ होना है, हमें हमने इसे भी डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच लाल मिर्च, नींबू निचोड़ा हुआ, नींबू नींबू का रस ये हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, ये इसमें जायका के लिए अच्छा होता है। फिर इसके बाद हमें इसमें टाटा संपन्न गरम मसाला डालते हैं जो मैंने बतलाया था। चिकन 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 मसाला है ये। आखिर में हम इसे मेथी डालते हैं, कसूरी इसे कसूली मेथी कहते हैं। अच्छी तरह अब हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें पूरे जायके अच्छे से मिल जाएं और मज़ा सबका आए। इस तरह से इसे मिला लीजिए। देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है। हमने चिकन में कट्स लगाए हैं। हमने इसमें चिकन में कुछ कट्स लगाए हैं ताकि अंदर अंदर पूरा जायका चल जाए, अंदर और बाहर से पूरा मज़ा आए। अभी तो 15 मिनट। अब हम ये हो चुका है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पूरे जायके मिल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें तेल डाल लीजिए, पांच माप तेल डाल लीजिए। गैस फ्लेम इसे स्लो ही रखिए। अब तेल को हम कुछ देर गरम होने देंगे। इसका फ्लेम अब हम तेज़ कर लेंगे ताकि तेल जल्दी गर्म हो चुका है। देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा बाकी है। अब हम इसमें चिकन डालते हैं इस तेल में। देखिए आराम से डालिए ताकि से देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं चिकन की। अब इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देंगे। इसमें ब्राउन कलर आ चुका है, अभी इसे थोड़ी थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब हम इसे बाकी चिकन को भी इसी तरह से तल देंगे। काफी मजेदार लग रहा है ये। हमारा ये चिकन भी अच्छे से पक चुका है। हमारा तला हुआ चिकन अब रेडी है। इसको हम गार्निश करने के लिए इसके ऊपर कोथमीर डालते हैं। खींचे हमें इस तरह से कोदने डाल देंगे इसे। और हम इसे टमाटर सॉस से खा सकते। अब हम इसमें टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं हम इसे, या तो फिर आप नींबू के साथ भी खा सकते हैं। और
अगर हमारा आपको चैनल अच्छा दिखा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लास्ट ऑफ लास्ट।